हाँ भाई, तो हम ये सैम्पल पेपर कर रहे थे, इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अभी रह गए हैं। 36 क्वेश्चन हुए हैं, तकरीबन 68 के करीब क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। नाउ अगेन ये एंजाइम से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंपैरेटिव इनहिबिटर्स। कंपैरेटिव इनहिबिटर्स ऑक्यूपाई करते हैं एक्टिव साइट को। यस दे डिस्ट्रॉय द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। नो दे रिजेंबल स्ट्रक्चरली विद द सबस्ट्रेट। यस दे रिजेंबल स्ट्रक्चरली विद द सबस्ट्रेट। यस एंड दे डू ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट। तो ये दो आपके आंसर होते हैं बेस्ट डिस्क्राइब। मेरे ख्याल में अगर एक सेलेक्ट करना है तो फिर ये आई विल सेलेक्ट ए, क्योंकि या एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करते हैं अगर कंप्लीट रिजेंबलेंस नहीं भी है। बट वैसे ये दोनों जो है ये करेक्ट आंसर हैं। स्ट्रक्चरली रिजेंबल भी करते हैं सबस्ट्रेट के साथ और ये एक्टिव साइट को भी ऑक्यूपाई करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज फॉल्स। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ओके ये के ई क्यू है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मेरी चूंकि केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये कह रहे हैं कि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो सेम रहता है एंजाइम के प्रेजेंस में भी। तो यस दैट्स ट्रू, एंजाइम्स जो है वो इक्विलिब्रियम के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। एंजाइम्स स्पीड अप करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डीएनए सिंथेसिस में। कहीं पर भी एंजाइम काम करेगा तो वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। हार्श एसिडिक कंडीशन जो है दे कैन डीनेचर द एंजाइम। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है एंजाइम के बारे में करेक्ट है। एन एंजाइम इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो ये आपका आंसर है, यानी ये गलत स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम। एंजाइम रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज नहीं होते। नाउ अब आ जाता है एवोल्यूशन। द जेनेटिक चेंज इन अ पॉपुलेशन कॉज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट होता है वो सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कहता है। तो जो भी चेंज जो है वो किसी पॉपुलेशन के अंदर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आता है उसको हम एडेप्टेशन का नाम देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट करते हैं टू द एन्वायरमेंट और जब भी वो सर्वाइव करते हैं। कैरोलस लीनियस वॉज बिलीवर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो भैया इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर इसका जो है वो बिलीवर थे। उनकी थ्योरी जो है वो इसी से रिलेटेड है। नाउ मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन भी पहले मैं मार्क कर दूं। इससे पहले वाला भी जो था जेनेटिक वाला, ये वाला क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स। तो मोस्ट ऑफ द फॉसिल्स जो हैं ये सेडिमेंटरी रॉक के अंदर मिलते हैं। सेडिमेंटरी रॉक के अंदर बेसिकली रॉक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो कि उस फॉसिल के अराउंड डिपॉजिट हो जाते हैं और फिर वो उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये भी पता नहीं कौन सी बुक से लिया गया है। नाउ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशी एंड शेयरिंग अ कॉमन जियोग्राफिक एरिया। तो ये स्पीशी की डेफिनेशन है। इंटरब्रीडिंग जो होते हैं वो स्पीशी, और एक स्पीशी एक जियोग्राफिक एरिया के अंदर रह रही होती है तो उसे आप पॉपुलेशन का नाम देते हैं। नाउ विच कंडीशन कैन बी एक्सप्लेन बाय लमार्किज्म। हाउ जिराफ कट देयर लॉन्ग नेक। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वाले पेपर के अंदर करवाया था। ये तीनों इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है। ओके, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन विच प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू अ सैक। तो पिचर प्लांट होता है, इसके अंदर लीव जो है वो एक सैक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर इंसेक्ट्स जो है वो पकड़े जाते हैं। नाउ ट्रांसपिरेशन, एट नाइट ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस बाय। ओके, सो ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक्सेस वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एरियल पार्ट से जो है वो लॉस होता है। मैं बताया कि ट्रांसपिरेशन तीनों तरीकों से होती है, स्टोमेटा से भी, लेंटिसल से भी, क्यूटिकल से भी, और यूजुअली डे टाइम में होती है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डे टाइम में से रेगुलेट करने में, क्योंकि स्टोमेटा के थ्रू मेनली ट्रांसपिरेशन होती है जिसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो लाइट पर या पोटेशियम आयंस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर ट्रांसपिरेशन रात में होती है बिकॉज इनका स्टोमेटा रात में खुले होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, कैंप प्लांट्स जो होते हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रात में अब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि दिन के मुख वो अपने स्टोमेटा को बंद रखते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने ट्रांसपिरेशन पूछा हुआ है तो अगर ये स्पेसिफिकली नहीं पूछे, जनरली पूछ रहे हैं, तो आई थिंक इसका आंसर लेंटिसल्स होना चाहिए क्योंकि लेंटिसल्स वो स्पेसेस होती हैं जो कि स्टेम के अंदर मौजूद होती हैं, तो उनके थ्रू ट्रांसपिरेशन रात में भी हो सकती है। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो किसी को अगर करेक्ट आंसर इसका पता है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं इसके ऊपर क्लास लगा रहा हूँ। नाउ वेजी डायलेशंस अकर ड्यूरिंग मसल्स। अच्छा, आगे पूछा हुआ है। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो वेसल जा रही होगी वो कंप्रेस होगी तो उसके अंदर वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। जब मसल रिलैक्स करेगा तब वेजो डायलेशन होगी। ना ब्लड सेल्स फॉर्म इन द लिम्फ नोड्स आर।
लिम्फ नोड्स के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं वो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स होते हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद होता है। इम्यून सिस्टम, अच्छा एंटी सीरम इज अ सीरम कंटेनिंग, तो पहले तो सीरम समझ लें। हमारे पास एक चीज़ होती है ब्लड, ब्लड में से अगर आप सेल निकाल दें तो वो प्लाज्मा बन जाता है, प्लाज्मा के अंदर कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, अगर वो निकाल दें तो फिर आपके पास सीरम रह जाता है, ठीक है। तो ये आपका सीरम होता है। एंटी सीरम जो है वो एक ऐसा सीरम होता है कि जिसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं जो कि किसी ख़ास एजेंट के ख़िलाफ़, किसी ख़ास बैक्टीरिया वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो बनवाई जाती हैं। तो एंटीबॉडीज़ कंटेनिंग सीरम जो है वो एंटी सीरम होता है। बैक्टीरियल सेल एनवलप डज नॉट इंक्लूड, तो बैक्टीरियल सेल एनवलप के अंदर तीन लेयर्स जो हैं वो आती हैं। अंदर से अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन आती है, सेल वॉल आती है और सेल वॉल के बाहर जो लेयर होती है वो आती है। तो अगर ये कैप्सूल है तो ये तीनों चीज़ें जो है वो इसके अंदर शामिल होंगी। स्लाइम जो है ये एडिशनल कुछ के अंदर लेयर मौजूद होती है, ये एनवलप के अंदर शामिल नहीं होती। इसके ऊपर भी मैं ये लगा रहा हूँ, किसी न किसी बुक से लिया गया है। ओके, प्रोकैरियोट्स एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, अच्छा प्रोकैरियोट्स में भी होने लगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद ये पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है FSH एंड LH। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज रिलीज बाय, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं ये आपके एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करते हैं, तो चाहे फीटल एड्रिनल ग्लैंड हो या आपके एडल्ट एड्रिनल ग्लैंड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया, 49 है ये, पीछे वाला क्वेश्चन कौन सा था, 50-51 तक जा चुका हूँ मैं, सही है यहाँ तक हो चुका है। नाउ आई इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न बेबीज इज ड्यू टू द फॉलोइंग सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो आई इन्फेक्शन यूजुअली जो होता है वो गोनोरिया की वजह से होता है, जेनिटल हर्पीस के अंदर नहीं होता, गोनोरिया की वजह से होता है आई इन्फेक्शन, जिसमें बेबी जो है उस ब्लाइंडनेस तक हो सकती है। द सेल वॉल ऑफ आर्किबैक्टीरिया डज नॉट कंटेन विच द फॉलोइंग, तो आर्किबैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया हैं, उनकी सेल वॉल के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। द ह्यूमन सेल्स अफेक्टेड इन HIV आर विच द फॉलोइंग, तो जो आपके वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स ये अफेक्ट होते हैं। इन विच ऑर्गेनिजम्स मेल्स आर हैप्लॉइड, तो मेल्स जो हैं आपके ये, तो ये हनी भी हैं, ये वो हैं कि जिनके अंदर आपके पार्थिनोजेनेसिस होते हैं, एंट्स हैं, हनी बीज हैं और वैस्प्स हैं, इनके अंदर जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। नाउ ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज हाउ मेनी डेज ऑन एवरेज, तो ये 28 डेज की साइकिल होती है, ये तो ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओवोविविपैरस एनिमल, ओके सो एक एनिमल्स हैं जो कि ओवीपैरस कहलाते हैं, जो कि एग्स ले करते हैं, भले वो फर्टिलाइज हुए हुए हों एग्स या ना फर्टिलाइज हुए हुए हों, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई हो या नहीं हुई हो, वो एग्स ले करते हैं। दूसरे वो होते हैं जो विविपैरस होते हैं, जो डायरेक्टली बेबी प्रोड्यूस करते हैं, और तीसरे एक ओवोविविपैरस एनिमल्स होते हैं जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो एग्स जो है वो फिर मदर की बॉडी के अंदर ही रहते हैं, और मदर की बॉडी में रहने के बाद उनसे बेबी प्रोड्यूस होता है। तो एग भी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन वो एग जो है वो बॉडी के बाहर नहीं आ रहा, बल्कि वो मदर की बॉडी के अंदर ही रह रहा है, और फिर उससे बेबी रिलीज हो रहा है, डायरेक्टली बेबी रिलीज होता है जब वो फॉर्म हो जाता है उस एग के अंदर। ये ओवोविविपैरस एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं। कुछ वैराइटीज़ स्नैक्स की हैं, इसके अलावा शार्क्स की कुछ वैराइटीज़ हैं जो कि इसके अंदर आती हैं। तो ह्यूमन से बिल्कुल नहीं आते, ह्यूमन से कम्प्लीटली विविपैरस हैं। ब्लू शार्क जो है ये भी विविपैरस होती है, बास्किंग शार्क जो है एक तरह की शार्क है जो कि ओवोविविपैरस के अंदर आती है। ये क्वेश्चन भी हम मार्क कर लेते हैं। नाउ विच द फॉलोइंग इज फाउंड बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड, तो बीनीथ द प्रोस्टेट ग्लैंड एक और टाइप के ग्लैंड होते हैं जिन्हें हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहते हैं। नाउ कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ, अच्छा भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप, तो ये हार्ट के मसल्स होते हैं। नाउ स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्ट्राइडेड बिकॉज दे शो ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, अच्छा एग्जाम्पल्स इन्होंने पूछा हुआ है। तो ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स दोनों जो हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल्स के अंदर आता है। स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो इसके अंदर एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल फाइबर, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, दिस इज करेक्ट, दे आर वन
नैनोमीटर अच्छा ये डायमीटर मुझे नहीं पता, दे कंटेन ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता इनके अंदर, मायोग्लोबिन होता है। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यस ग्लाइकोजन इनके अंदर पाया जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर यूनिक टू कार्डियक मसल सेल्स एक्सेप्ट, सो यूनिक फीचर्स कौन सा यूनिक नहीं है, दे आर लिंक टूगेदर थ्रू इंटरकैलेटेड डिस्क, दिस इज राइट, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। गैप जंक्शन होते हैं इनके अंदर, ये भी ठीक है, दे फॉर्म ब्रांचिंग चेन्स, ये भी ठीक है। दे आर नॉन स्ट्राइडेड, ऐसा नहीं है, दे आर स्ट्राइडेड, स्कैडल मसल की तरह स्ट्राइडेड होते हैं ये, और स्मूथ मसल की तरह इनवॉलंटरी होता है। नाउ कलर ऑफ द फ्लावर इंडिकेट्स डैश ऑफ द फ्लावर, अच्छा ये अब जेनेटिक्स के अंदर आ गए हम। कलर ऑफ द फ्लावर जो है ये आपका फिनोटाइप, एक्सटर्नली अगर आप कलर ऑफ द फ्लावर देख रहे हैं तो ये फिनोटाइप जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन खाली अगर आप पूछ रहे हैं कलर ऑफ द फ्लावर क्या इंडिकेट करता है, तो ये ट्रेड भी है, यानी ये कैरेक्टर भी है, तो ट्रेड भी है, लेकिन एक्सटर्नली अगर आप देखें तो वो फिनोटाइप है। आई एम नॉट श्योर इसके दोनों आंसर हो सकते हैं, बट आई थिंक ये ट्रेड है, कलर ऑफ द फ्लावर जो है वो एक ट्रेड है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नली नहीं पूछा। एक्स एक्स वाई इन केस ऑफ ड्रोसोफिला इज अ, ओके, तो ड्रोसोफिला के अंदर ये जो सेक्स डिटरमिनेशन होती है कि मेल कौन है फीमेल कौन है फर्टाइल है स्टेराइल, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि एक्स एक्स वाई जो है ड्रोसोफिला के अंदर ये एक फीमेल होगी और ये फर्टाइल होगी। फीमेल क्यों होगी, क्योंकि अगर आप एक्स एक्स वाई देखें तो मेल के अंदर ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, हाँ एक्स एक्स वाई जो है ये मेल के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, तो ये मेल ह्यूमंस के अंदर मेल होता है और ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाला होता है, बट ड्रोसोफिला के अंदर ये एक फर्टाइल फीमेल होती है। तो इसका सिंपल सा मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो ड्रोसोफिला उसके अंदर टोटल 8 जो हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इसके अंदर अगर गैमेट की बात करें तो गैमेट में 4 होता है, अब इन 8 में से जो 6 हैं वो ऑटोसोम हैं और जो 2 हैं वो सेक्स क्रोमोसोम हैं, जबकि इन 4 में से जो 3 होंगे वो ऑटोसोम होंगे और एक जो होगा वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। तो सेक्स क्रोमोसोम का जो रेशो है वो ऑटोसोम के साथ ये देखा जाता है, ठीक है, ये देखा जाता है। अच्छा, अब जो ऑटोसोम्स है ना 3, उनको मिलाकर हम कहते हैं ए, और जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको आप, चूँकि इसके अंदर एक्स होता है तो इसको एक्स का नाम देते हैं, तो ये जो 3 क्रोमोसोम है ये मिलकर एक सेट बनाते हैं। तो अगर आप रेशो देखें तो एक्स का रेशो ए के साथ जो है इस वक्त वो 1/1 है, तो ये 1 का रेशो आ रहा है। अच्छा, इधर भी अगर आप देखें तो जो ऑटोसोम्स हैं वो 6 हैं और 3 का एक सेट होता है, तो यहाँ पे 2 सेट हो गए ऑटोसोम के और 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम भी 2 हैं और जो ऑटोसोम्स के सेट हैं वो भी 2 हैं, तो इसका रेशो भी क्या बन रहा है, इसका रेशो भी 1 बन रहा है। तो जब भी रेशो 1 बनता है तो वो फीमेल होती है, और जब भी रेशो जो है आपका एक्स क्रोमोसोम का ऑटोसोम के साथ जो रेशो है अगर वो 1 से कम बनता है तो वो मेल होता है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो 2 एक्स हैं और ऑटोसोम्स के सेट जो हैं वो भी 2 होंगे, तो इसका रेशो भी 1 बन रहा है, तो ये फीमेल है। खैर, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा जब मैं चैप्टर नंबर 8 जेनेटिक्स समझाऊँगा। नाउ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन डैश ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन डैश, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान में होती है, क्रोमैटिक्स के दरमियान में नहीं होती, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, जिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान जो है वो ये क्रॉसिंग ओवर होती है। एक्स ओ एंड एक्स एक्स टाइप पैटर्न ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इज फाउंड इन, तो इफ़ यू रिमेंबर ये एक्स 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 ओ वाला सिस्टम जो है मतलब इस तरह से नहीं पढ़ा था हमने, बट मैंने जब वो पढ़ाया था सेक्स डिटरमिनेशन हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 के अंदर, तो हमने ग्रास हॉपर की एग्जांपल देखी थी कि ग्रास हॉपर के अंदर जो सेक्स डिटरमिनेशन होती है वो किस तरह से होती है, कि 24 क्रोमोसोम्स जो हैं वो फीमेल के अंदर होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल के अंदर होते हैं, तो इसके अंदर एक क्रोमोसोम मिसिंग है, जब क्रोमोसोम मिसिंग होता है तो उसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो गैमेट बनाती है वो 12-12 के बनाती है, जबकि ये जो गैमेट बनाता है वो 12-11 के बनाता है, तो ये होमोगैमेटिक हुई, एक ही तरह की गैमेट बना रही, और ये हेटरोगैमेटिक हुआ, तो ये वाला सिस्टम है जिसे एक्स एक्स और एक्स ओ सिस्टम कहते हैं, जिससे मेल के पास एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है। तो यही सिस्टम जो है ये एक और बग के अंदर पाया जाता है जिसका नाम प्रोटीनोइड बग है। बाकी बटरफ्लाई के अंदर जो है वो डब्ल्यू और जेड वाला सिस्टम पाया जाता है जो कि रेसिप्रोकल वाला होता है। कितने 67 हो गए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स पॉसिबल व्हेन आर आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई इज प्रेजेंट। तो ये बना लेते हैं, हमारे पास स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। स्मॉल आर जाएगा पहले कैपिटल वाई के साथ और फिर स्मॉल आर जाएगा किसके साथ, स्मॉल वाई के साथ। यहाँ से भी भेजोगे तो यही बनेगा। तो दो तरह के गैमेट्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज इट, ये एक सैम्पल पेपर था, अभी मेरे पास दो सैम्पल पेपर और हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊँ, हाँ, इनके ऊपर मैंने निशान इसे लगाए क्योंकि ये फेडरल के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे ये फेडरल के अंदर, ये क्वेश्चन भी मौजूद है, ये क्वेश्चन भी फेडरल के अंदर मौजूद है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर निशान नहीं लगाए। बाकी यहाँ अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन ये है, दो तीन चार पाँच, पाँच और ये छः, ये सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह क्वेश्चन है। कितने में से? सत्तर में से बारह क्वेश्चन है, अगेन जो कि हमें नहीं पता कि कहाँ से पूछे गए हैं। तो जिन लोगों ने भी फेडरल या पंजाब पढ़ी भी है तो वो बताएं कि अगर ये क्वेश्चन उस बुक के अंदर मौजूद है, ताकि हम उन टॉपिक्स को जो है वो कवर कर सकें।